ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3D ਦੇ ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਕਰਾਂਗੇ 3D ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ और इस तो बाद आप करांगे क्यूब फिर क्यूबोर्ड फिर इदा ही सिलेंडर के क्वेश्चन करांगे सफीयर हेमीस्फीयर कौन वगैरह सब कुछ क्वेश्चनस कवर करांगे बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा और बीचों बीच जो भी सैशनस के क्वेश्चनस होंगे वो तुहाडे नाल सांझ की जाएगी सारे क्वेश्चन की एज यू नो कि साड़िया कुछ क्लासेस पंजाब कैरियर अड्डा से चल रही ने खास तौर पर PPSC की तैयारी कर रहे हैं प्रिंसीपल हैडमास्टर एंड BPO सैशन शेयर कर दो एक एक बार तुसी प्लीज़ शेयर कर दोगे ना तो सारे जने जाग जाएंगे सारे जने जाग जाएंगे सीरियसली गल है क्योंकि जागना बहुत जरूरी है ठीक है स्टे एट होम ठीक है अपनी फैमिली का ख्याल रखो अपना ख्याल रखो और गवर्नमेंट्स दियाँ जो भी हिदायत ने प्लीज़ उन्हों का पालना करो और बाकी तुसी जानते हो सब कुछ जो भी है लेकिन अपना वक्त जाया नहीं करना है साडा पंजाब पटवारी लिए बहुत बेहतरीन एक पेड क्रैश कोर्स भी चल रहा है उदे च तकरीबन थोनू एज यू नो असी काफ़ी कंटेंट दे रहे हैं तो तुम साड़ी ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके उस पेड कोर्स अपने एनरोल कर सकते हो जिथे साड़िया तकरीबन 12 से 15 ई बुक्स बिल्कुल फ्री है एंड उदे नाल नाल टॉपिक वाइज सैक्शनल भी थोनू सब कुछ मिलेगा इफ यू वॉन्ट देयर तो तुम उत्थे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो अज की क्लास आप पोलीगन के बेहतरीन कंसैप्ट कुछ ट्रीकी और जबरदस्त और बेहतरीन शॉर्टकट्स नाल मैं थोनू समझावांगा उस तो पहला मैं दसना चाहना है कि डिस्क्रिप्शन साडा टैलीग्राम का लिंक दे रखे ज्वाइन करना नहीं भुलना तुहानूं जिन्ना भी अनलिमिटेड फ्री च कंटेंट है उत्थे अवेलेबल करवाया जा रहा है ताकि तुसीं अपनी तैयारी होर यकीनी तौर पर सही पक्की कर सको तो मैं थोनों कुछ दिखाना चाहना है और देखो और इस पर अमल भी करो जिवें तुहाडे नाल असीं वादा कीता सीगा कि एवरीबडी स्टेइंग एट होम असीं थोड़ी हैल्प करांगे जिथों तक भी हो सकता है तुसीं साडी ऑफिशियल वैबसाइट पर जाना है और आ देखो उपर की दिख रहे लाइव क्लासिस ने यह साडियां लाइव क्लासां चलदियां प्लस ये कि फ्री टैसट पटवारी इतने दोस्तों तुसी क्लिक करके अपने आप को चैक कर सकते हो अगर थोड़े चित्त च हजे भी कोई बहम है भरम है कि साड़ी तैयारी तो धाकड़ है जी ठीक है तुहाडा स्कोर तुहाडे सामने आ जाएगा तो तुहानू सब कुछ पता लग जाएगा तो बिल्कुल फ्री टैसट असी शुरू कर दते हैं तो तुसी प्लीज़ इतने भी जरूर पार्टीसपेट कर सकते हो तुहाडे लिए बहुत खुशी की गल है चलिए पोलीगन की है वैसे तो पोलीगन की गल करते हैं तो जिन्हें भी साढ़े को 2D और 3D के क्वेश्चन है ऑल दीज आर कम्स इन पोलीगन ठीक है लेकिन पोलीगन के कुछ क्वेश्चन आने वो आप गल करते हैं जिमें साडे कोले सपोज जिमें पेंटागन आ गया ठीक है या साडे कोले पेंटागन तो बाद जिमें हैक्सागन आ गया जां सेप्टागन आ गया ठीक है या अपने कोले हैक्सागन आ गया या अपने कोले ऑक्टागन तो इन्हें जनरली याद रखना होगा इन्हें आप तीन तरीके के मेन क्वेश्चन मिलते हैं सब तो पहला गल करते हैं कि जो क्वेश्चन मिलने सानू वो मिलने सानू एरिया के ठीक है दूसरे तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं सानू एंगल दे कादे मिलते हैं एंगल दे मिलते हैं और तीजे तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं सानू डायगोनल दे ठीक है ये जनरली क्वेश्चन मिलते हैं जिमें जे मैं गल करा कि मेरे को एक इस तरीके का पोलीगन है ठीक है इस तरीके का मेरे को एक पोलीगन है और मैं इनू डिजाइन किया है इस तरीके ठीक है यू नो कि जिदिया साइडा जिमें आप सिंपल जी आम जी गल फड़नी आप है कि यह ठीक है तो सिंपल गल याद रखो देखो तीन भुजावां वाला तो ट्राइंगल च आ जाता है ट्री मतलब ट्राइंगल तो चार भुजावां वाला क्वाड्रीलेटरल है ठीक है क्वाड्रीलेटरल दे विच बहुत सारिया शेप्स आ जांदियां जिमें कि आप गल करते हैं क्वाड्रीलेटरल चतुर्भुज है फिर वो जिमें पार्ट्स हो गए हैं चतुर्भुज के जिन्हें भी परिवार है वो आप जिमें पैरेलल आ गया रंबस आ गया ट्रेपेजियम आ गया ठीक है ईवन कि स्क्वायर एंड रैक्टेंगल ऑलसो इज द क्वाड्रीलेटरल ठीक है फोर साइडा ने जिदियाँ चार तो ज़्यादा साइडा होंदिया बस सीधी जी गल याद रख लो उही तुहाडा पोलीगन दे विच क्वेश्चन इहदे विच खास तौर पर आएगा अदरवाइज मैं थोनू फिर कहांगा सारे ही फिगर्स पोलीगन दे विच हुंदे ने सवाल गल करते हैं कि इन्हां च किन्ने डायगोनल बन सकते जिवें आपां इत्थे उहनू ए मन्नीए दिस इज बी ए वाला सी ए वाला डी अते ए वाला मेरे कोल की है ई है ठीक है वी हैव ए 5 साइड ठीक है तो आपां हुण पहला इहनू बनाता दूजा आप अगर गल करते हैं तो आप इतने डायगोनल ले लें दिस इज सैकेंड डायगोनल है ठीक है इतों ही ए तो आप सी तक बनाता है तो मतलब की हो गया अपने को AD हो गया फिर एक AC हो गया ठीक है फिर हम आप गल करते हैं कि ई तो बी तक बनाया सीगा तो ई तो आप की करांगे सी तक भी बनावांगे तो इदा ही ई बी एंड तुहाडे कोल की हो जाना ई सी हो जाना
इस हिसाब न देखो हर तो तुसी बना नहीं सकते हुण जे बी है बी तो तुसी की डिजाइन कर सकते हो डी डिजाइन कर सकते हो क्योंकि ई तक तो बना था आपां तां बी डी हो गया एंड बी ई की गल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लिख लिया आ ठीक है। इस तरीके आप देखांगे तो यह भी अपने कोल ऑलरेडी बन चुके हैं ठीक है इतों भी बन चुके तो मैक्सीमम अपने कोल हुण देखो वन टू ठीक है दो चार ते दो छे इदा नहीं गिण सकते तुसी ये गिण सकते हो कि हाँ जी गिण लो जी दो इतों दो इतों दो इतों नैवर तुसी ये गल कह सकते हो सर कि साढ़े कोल ए डी प्लस साढ़े कोल की हो गया ए ई हो गया ठीक है जी। पहली गल होगी फिर दूजा साढ़े कोल की हो गया बी ई हो गया सर दूजा साढ़े कोल की हो गया बी डी हो गया ठीक है जी। तीजा आपां ए सी नूं गिण लिया है क्योंकि इत्थे आपां ए सी नूं अगर गिण लिया है तो दैन ए सी नहीं लिखांगे ठीक है तो अपने कोल ए सी नंबर टू ते सीगा तो ए सी आपां लिख चुके हैं वन टू एंड थ्री फोर एंड नैक्सट आपां देखांगे सी ई ठीक है तो सी ई आपां नहीं गिणिया सीगा नंबर छे ते आ जाएंगे तो आपां डी बी लिख लिया आ तो डी ए भी आपां ऑलरेडी लिख लिया हुण आपां ई ते आ जाएंगे तो ई भी आपां लिख लिया है ठीक है ना ई सी भी आपां लिख लिया है ठीक है तो मैक्सीमम अपने कोल किन्ने हो गए फाइव डायगोनल हो गए हैं तो जनरली ये चीज़ां प्लीज़ आपां जरूर सीखनियां है ये तुहानूं मैं ट्रिक भी दसांगा लॉजिक सारियां चीज़ां तुहाडे नाल सांझियां करांगे लेकिन फिलहाल असी करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद ट्रिक एंड शॉर्टकट लैट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए रेगुलर हैक्सागन ऑफ साइड किन्नी है 2:3 सेंटीमीटर है देयर इज नो नीड टू मेक ए फिगर। सब तो पहला गल करते हैं बड़ा ही सिंपल जा फंडा याद रख लो जिंदगी ये चीज़ा बहुत घट बार मैं दसदा हूं पर मैं तुम्हें तो जरूर दसागा क्योंकि ठीक है आलो जी एरिए की गल करते हैं एरिया यह दरअसल की है ना कि जिन्ना भी है साढ़े को बेसिकली बनते रहे ट्राइंगल ही रहे हैं ना जे आप गल करते हैं कि ए डी सी है ठीक है ट्राइंगल है तो बेसिकली एक ट्राइंगल की एरिए की गल करते हैं तो दिस इज ऑलसो द थ्री साइड्स मतलब थ्री अपॉन की आ जाएगा अपने को थ्री अपॉन कि आ जाएगा टू है थ्री अपॉन टू है इंटू साढ़े को आएगा साइड स्केर आएगा। हुण अगर कोई भी फिगर जिमें सपोज अगर अपने कोल हैक्सागन है ठीक है पेंटागन है तो आप उस हिसाब से साइड लाने जावे अगे ठीक है तो दिस इज ए हैक्सागन है तो आप इतने करा थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हों ठीक है समझ पा रहे हो किन्ने कर देंगे थ्री न तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर की होएगा तो एरिया ऑफ हैक्सागन की होंगे कि एरिया ऑफ हैक्सागन नोट कर लो जिन्हें भी स्टूडेंट साढ़े जुड़े हुए हैं एरिया का होंगे थ्री रूट थ्री अपॉन टू इंटू थोड़े को होएगा साइड स्केयर होएगा तो बस इतने तुम चुप चाप करके ना साइड में ठोक दो अपना आंसर आ जाना थ्री रूट थ्री अपॉन टू है तो टू रूट थ्री है इंटू टू रूट थ्री है। देखो हुण आपां नूं पहलां सोल्व कर लो बेसिक जिदा नहीं है कवर उस दे लई थोड़ी जी मैं समझा दिंदा जदों भी आपां रूट नूं रूट नाल मल्टीप्लाई करांगे तां रूट हट जाएगा तां अपने कोल थ्री आएगा टू नूं टू नाल मल्टीप्लाई कीता तां दो दूनी किन्ना आ गया चार आ गया क्लीयर अपॉन दे विच दो है हुण दो नाल इहनूं कट करांगे दो आ जाएगा। हुण देखो जनरली अपने कोल तीन नूं तीन नाल मल्टीप्लाई कीता तीन तीआ नौ है और फिर दो नूं कर दो किन्ना आ गया तुहाडे कोल नौ दूनी अठारह है तो मतलब कि आप अगर इस रफ करके किन्ने लिख दिए अठारह लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो अठारह रूट थ्री बजेगा तो अठारह रूट थ्री तुहाडा की होएगा आंसर होएगा आई थिंक यू गॉट इट वेरी वैल तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा क्लीयर है ना कंसैप्ट कोई दिक्कत है किसी बच्चे बहुत सौखे जी सरल जी क्वेश्चन है बिल्कुल भी परेशान नहीं कर देवगा शॉर्टकट्स थोड़ा हर बार दसागा जबरदस्त तरीके दसागा और पॉलीगन के क्वेश्चन इस तो अलावा सिंगल क्वेश्चन मेरी गारंटी होएगी अगर पेपर च आउट हो जाए तो ठीक है। कहता कि ईच साइड ऑफ रेगुलर हैक्सागन इज वन सेंटीमीटर एरिया ऑफ द हैक्सागन देखो हैक्सागन का मैं थोड़ा हूँ ही दसिया कि हैक्सागन का एरिया फाइंड करने का रूल की होंगे इहदा रूल होंगे थ्री रूट थ्री अपॉन टू इंटू थोड़े को होएगा साइड का स्केयर होएगा ठीक है थ्री रूट थ्री अपॉन टू है तो साइड तुहाडे कोल कितनी आ रही इतने वन सेंटीमीटर है तो ठोको इतने वन यानी वन इंटू वन हो जाएगा तो वन इंटू वन ऑलवेज कितना रहिंदा वन ही रहिंदा तो तुहाडे कोल की आ जाना थ्री रूट थ्री अपॉन टू तुहाडा आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर तुहाडा फस्ट आ जाना क्लीयर है कोई दिक्कत नहीं उच्चार लिखा गया लिखना तो आप एक सीगा आलो जी एक लिख दें ठीक है समझ पाए हो समझ पाए हो तो कमेंट के बस इन्नी चीज़ लिखनी आहो समझ आ गया ठीक है बाकी कोई बस थैंक यू नाइस मैनू पता है बहुत वधिया तुसी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ठीक है बस इदा ही यार मिलजुल के रहना है कोई आपां कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है ठीक है लेकिन ख्याल ये रखना है कि किसी का पैशन और किसी का फैशन होंदा है मेरा पैशन मैनू जनून है कि आई वॉन्ट टू टीच यू लेकिन आप इस क्रैश कोर्स के करा ना मैक्सीम टू मैक्सीम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा जिस ना थोड़ा वक्रे वक्रे एग्जाम्स के अंदर सर्च नहीं करना पेगा कुछ भी एंड ऑलसो थोनू मैं एस एस सी एन टी पी सी के क्वेश्चन करावे और रेगूलर यही सीरीज साड़ी चलती रहेगी ठीक है। चलिए बई
इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है एंड इट्स कॉर्नर कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर हेक्सागन एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन विल बी। सब तो पहला गल करते हैं कि यह कहता कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड कितनी है 6-6 सेंटीमीटर है तो आप लिखा ए बी एंड सी तो अपने को भी 6 सेंटीमीटर है दिस वन 6 सेंटीमीटर दिस वन 6 सेंटीमीटर क्लीयर है सबन समझ आ गया। चलिए हुण मेरे प्यारे बच्चों सवाल दे विच ये गल कह रहा सीगा कि ये कहिंदा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इट्स कॉर्नर कट ऑफ फ्रॉम ए रेगुलर हैक्सागन मतलब रेगुलर हैक्सागन आ लो जी ये फस्ट कॉर्नर कटता आ ये दूजा कॉर्नर कटता ये तीजा कॉर्नर कटता है ठीक है तो तुहाडे कोले लगभग की बन गया अगर मैं देखा तो यह थोड़े को पी है ए क्यू है ए आर है पी आर क्यू एस एंड टी एंड यू साडे कोले की बन गया रेगुलर हैक्सागन बन गया एक डब्बा जिहा बन जाएगा अंदर यू नो कि इस तरीके नाल हुण आपां देखांगे जनाब कि इत्थे आपां नूं फाइंड की करना है कहिंदा एरिया ऑफ दिस रेगुलर हैक्सागन इस रेगुलर हैक्सागन का एरिया दसो हुण अगर प्रैक्टिकली तौर पर आपां देखांगे वो ट्रिकी अप्रोच से देखांगे तो सवाल च 1% ही दम नहीं है 1% दम नहीं है सवाल अपना हल हो चुके है किवें हो गया लैट इट सी। जदों भी याद रखो कि कदे भी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल नूं जरा नोट करो इस गल नूं जदों भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नूं उदे साइडा नूं अगर किसी भी हैक्सागन नाल कट्टिया जांदा है किहदे नाल कट्टिया जांदा है हैक्सागन नाल यू नो कि साडे कोल इत्थे भी बच गया इक्वल है इत्थे भी इक्वल है एंड इत्थे भी इक्वल है तो याद रखो कि ट्राइंगल का एरिया आप 1/2 करते हैं तो इत्थे अपने कोल की हो जाएगा साइड हो जाएगी बेसिकली की दी मतलब कि आप इत्थे करते हैं कि साइड ऑफ रेगुलर हैक्सागन क्योंकि हैक्सागन की साइड कढ़ा तदा ही आंसर आना है ना तो 1/3 इंटू की आना 1/3 इंटू तुहाडे कोले आना साइड ऑफ ट्राइंगल मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल जदों भी कोई पेपर च क्वेश्चन करोगे इदा करके कर दौ गलती नहीं आएगी 1/3 और इंटू 6 कर देंगे कट किया 2 इहदा मतलब है भी हैक्सागन की हर साइड किन्नी किन्नी आएगी 2-2 आएगी मतलब इत्थे भी 2 है ये 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 भी 2 है क्लीयर है ना समझ पाए हो। चलिए हुण अपने कोल रेगुलर हैक्सागन का एरिया फाइंड करन दा रूल आ जाएगा और रेगुलर हैक्सागन का रूल की हुंदा है फाइंड करन दा रेगुलर हैक्सागन का फटाफट बोलो सारे स्टूडेंट्स हैक्सागन का की होएगा फटाफट 3√3/2 इंटू की करांगे साइड का स्केयर करांगे तो 3√3 करांगे बटा 2 है रेगुलर हैक्सागन की साइड कितनी कढ़ी है 2 तो 2√2 कर देंगे ये 2 नाल कट्टिया गया 2 नूं चक के 3 नाल गुणा कर दो किन्ना गया 3√6 साडा आंसर आ जाना आ लो जनाब अपना ऑप्शन आ गया तीजा। अगर तुसी वैसे इहदा खलारा पा के करोगे तो मेरी गारंटी है तुसी नहीं कर सकते जल्दी और इन्ना आसान भी नहीं होएगा ठीक है तो बहुत सारे सवाल इदां दे हुंदे ने जिन्हां नूं बड़ा मजेदार और लजीजदार अहम बद तरीके नाल कर सकते हैं आपां समझ आया तो बस कमेंट करके दस दियो होर कुछ नहीं करना आपां ठीक है जी। चलिए हुण अगले तरीके दे सवाल है वह मैं थोनों पहला दस दिना जदों आपां नूं किसी पॉलीगन का मतलब एंगल दे दिता जाता है और उहदे च की पूछा जाता आपां नूं साइड पूछा जाता की पूछा जाता है जदों आपां साइड्स फाइंड करनी है इहदा स्क्रीनशॉट लै लियो साइड्स फाइंड करनी है तो उहदा एक रूल हुंदा है 2n-4 अपॉन दे विच n इंटू की कर दिंदे आ 90° नाल मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज माई क्वेश्चन एंड दैट इज माई आंसर चुप चाप करके धड़ा धड़ा आप आंसर कढ़ देंगे कुछ भी नहीं करना आप। चलिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 18 मोर दैन राइट टाइम्स एन एक्सटीरियर एंगल जबरदस्त क्वेश्चन है द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन कि होनिया मतलब योजी किनिया साइडा होनिया कि हैक्सागन है ऑक्टागन है सैप्टागन है किड़ा आ ठीक है या यह कोई टेंटागन है या ट्वेंटागन है या थट्टागन है मतलब नथिंग यू नो तुसी कुछ नहीं जानते दे बारे। चलिए इफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर हैक्सागन अगर आप मानते हैं कि सपोज साडे कोले ठीक है सपोज नंबर ऑफ रेगुलर ठीक है रेगुलर हैक्सागन इज किन्ना साडे कोले एन हो जाना है कि अगर आप सपोज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये आप इदा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं n-2 इंटू 180° बटे कि करो n करो ठीक है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होएगा और 18° ज़्यादा है इट मीनस 18° का अंतर है फर्क इतने 18° कोई चीज़ मैं कहना भी 10 मेरे को ज़्यादा है तो 10 का अंतर हो गया ठीक है बराबर किन्ना 8 times है 8 गुणा ज़्यादा आ ठीक है सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की गल करते हैं तो अपने को नंबर ऑफ नंबर इंटीरियर 360°
हुण आपां मल्टीप्लाई करांगे, यू यू कैन से कि आप इदां लिख सकते हैं इत्थे टोटल हो गया अपने कोल कितना हो गया 180 डिग्री बटे कितना हो गया एन माइनस, जे आपां इस 18 नूं चुक के बाहर लै जाएंगे तो कहदा बन जाएगा यह जो माइनस है तो बाहर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो आप इतने इंज भी लिख सकते हैं कि 8 गुणा 360 बटे एन बराबर आ जाना 18। मेरी गल समझो दोस्तों, ये जो माइनस 18 है इसनों आप इक्वल तो चुक के बाहर लै जाएंगे तो तद इसका सिंबल भी की हो जाएगा बदल जाएगा। हुण देखो आप सवाल को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है तो आप 18 ना डिवाइड कर देने तो अपने को सेम की रहेगा एन माइनस कितना रहेगा 2, 18 आप 180 18 ने डिवाइड किया तो अपने को कितना है 10 बचा, ठीक है 8 के 8 की रहेंगे सेम रहेंगे, तो 360 से 18 का डिवाइड किया कि आया 20 तो बटा किन्ने आ जाना है यदा बटे एन आ गया तो यदा बटे भी एन आ गया तो बराबर इतने 18 अपने को कटिया गया, मतलब कि मैं 18 एकम 18 18 भी 360 18 ये 10 इदा हो गया, समझ गए गल। हुण मेरे प्यारे दोस्तों आप सवाल किदा करांगे, बेसिकली इतने आप सवाल को मल्टीप्लाई कर देने, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को कि हो जाएगा 10 एन माइनस 10 गुणा 20 माइनस का अगे सिंबल है 8 गुणा कि हो जाएगा 20, ठीक है जनाब, तो 8 गुणा 20 बराबर कि हो जाएगा 160। तुसी इत्थे की कर सकते हो डायरैक्ट आप 160 लिख देने जो कि अपने को इस एग्जाम के लिए इदा ठीक हो गया, 160 लिखता और बटे अपने को एन है, यू नो कि जो अपने को एलसीएम बिल्कुल सेम हो आप सेम नंबर लिख सकते हैं। हुण एन का आप 1 ना मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को सवाल इदा भी लिखा जा सकता 10 एन माइनस 20 माइनस 160 बराबर अपने को हो जाना एन हो गया, एन हो गया। चलिए हुण अपने को इत्थे किन्ने 10 एन है, 10 एन नूं अगर आप 1 एन है 1 एन 1 लेके जावे तो ऑब्वियस गल है दोनों प्लस प्लस दे तो की हो जाएंगे माइनस, मतलब 10 एन माइनस एन इज इक्वल दोनों किन्ने हो गए, जो भी दो तो ज़्यादा नंबर माइनस के होने तो नंबर जुड़ जाते हैं तो टोटल हो गया 180, 180 बाहर लै जाएंगे आप तो अपने को 180 बन गया, तो 9 एन इज इक्वल 180 डिग्री, तो आप एन की वैल्यू कढ़ा तो अपने को कितना आ गया 20 आ गया। सो दैट आप एन फाइंड करना सीगा कि किन्ने नंबर ऑफ साइड्स होनगियां तो 20 होनगियां, तो यह आंसर की आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तुहानू लगता है कि बहुत लंबा है बट लंबा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जे इनू थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहे हो तो उही मैथड है मेरे को, सेम प्रोसीजरल तरीके आप दूजा क्वेश्चन सोल्व करांगे, सो यह कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है सोल्व आप इन ए कर देंगे कि अगर आप एक लावे तो मैं इतों कट लेना 18 दूना 90 हो 18 पाँच 90 हो जाए तो अपने को कि हो जाए 2 एन माइनस कि हो जाएगा, ये अलग क्वेश्चन ए वाला सीगा, तो 2 एन माइनस कि 4 है बटे एन है तो इंटू मैं 18 पाँच 90 कर देना बराबर अपने को कि हो जाए 5 चौके 20 बराबर 160 बटे एन प्लस 1 हो जाना, यही हो जाएगा ना। सो दैट आप इन सोल्व करा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो उही बन जाना थोड़े को 10 बराबर एन माइनस 20, ठीक है तो बराबर थोड़े को बन जाना है कि 160 प्लस एन। सो दैट कि बहुत सारे तरीके है, बहुत यूनीक मैथड है क्वेश्चन सोल्व करने के, तुम कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, सवाल में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होएगा। जो मैं दोनों यूनीक मैथड दसे सके कि एक तुम्हें यह दसिया एक ये भी नोट कर लो कि तुम इस भी सोल्व कर सकते हो एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा थोड़े को कितना हो जाए एन, ठीक है एज यू वेल नो तुम जो मर्जी मैथड लाओ सवाल थोड़ा करैक्ट आएगा, क्लीयर है समझ पाए, समझ पाए तो मैं कमेंट करके दस दौ जी सर समझ आ गया, नहीं आया तो तुम दस दौ मैं थोड़ा अगले सैशन भी करवा दाँगा, ठीक है। अगला सवाल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए रेगुलर हैक्सागन एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग सेम पैरामीटर इज, सेम पैरामीटर द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हैक्सागन इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों कह रहे हैं सेम है। अगर आप मानते हैं कि हैक्सागन की साइड ए है, ठीक है किन्नी है साइड ए है तो ओबियस गल है कि दैन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल कितना होएगा 2 यूनिट होएगा, ठीक है कितना होएगा 2 यूनिट होएगा। चलिए तो आप सवाल नूं इस तरीके नाल कर सकते हैं कि सपोज सपोज ए साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन बी एक्स यूनिट, कितनी है साढ़े को एक्स यूनिट है, दैन मैं की कह सकता वा दैन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दैन द साइड ऑफ ट्राइंगल विल भी कितना होएगा मेरे को 2x यूनिट होएगा, कितना होएगा 2x यूनिट होएगा। सो दैट अपने को सिंपल जहाँ गल एरिए गल करते हैं तो अपने को 3/4 इंटू की होएगा साइड का स्केयर है, ये कि होएगा रैक्टेंगुलर का तुहाडे कोले और दूसरा तुहाडे कोले 3/4 इंटू तुहाडे कोले की हो जाना 2x स्केयर हो जाना, तो ये तुहाडे कोले 6 आ गया तो 6 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे सवाल आसान हो जाना है। अच्छा एक चीज़ तुम नोट करना है, जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने साडे नाल मैं वापस तो चीज़ा दसागा कि मैं स्टार्ट दे विच तुहानू दस्या सी कि एक मैथड जरा मैं उस पर वापस तो चानना पावगा। हैक्सागन देखो हैक्सागन दे विच 6 साइडा होंदियां
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ 3 ਬਾਈ 4 ਇਨਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਸੈਪਟਾਗਨ ਤਾਂ 7 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 2 2 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਰੂਟ 3 ਅਪੋਨ 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਫਲੈਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 2 6 3 3 9 एंड नैक्सट अपने को साइड की वैल्यू इतने आप कि मनी सी एक्स मनी सी तो एक्स न कटा तो एक्स अपने को बचेगा 2 बचेगा तो 2 दूनी कि हो जाएगा 4 है तो थोड़े को इदा भी तुम लिख सकते कि 6 एरिया रूट 4 बचेगा तो क्योंकि दोनों कट्टे जाएंगे तो मैक्सीम 6 ये 2 दूनी 4 बचेगा तो आप कह सकते 3 रेशो 2 बचेगा तो आंसर आ जाएगा 3 बाई 2 तो ऑप्शन नंबर कि आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लीयर है, किमें आया समझ लो, फिर तो समझ लो, इतने वापस दस दिना इतने आया 6 3 बाई 4 इंटू थोड़े को साइड का स्केयर रेशियो 3 बाई 4 इंटू तुम मनिया 2 एक्स का स्केयर है 3 बाई 4 3 बाई 4 कटिया गया तो अपने को आया इतने जनरली गल है कि आप साइड में एक्स मनिया तो एक्स स्केयर होएगा तो यह थोड़े को 6 एक्स स्केयर हो गया। ठीक है, तो इतने रेशियो थोड़े को 2 दूनी 4 एक्स स्केयर हो जाएगा तो एक्स स्केयर ना एक्स स्केयर कटेगा तो 6 रेशियो 4 आ गया। क्लीयर है, समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर नैक्सट दिन तो रखा है कि टैट्राहेड्रन इज 12 सेंटीमीटर दैन द वॉल्यूम ऑफ ए टैट्राहेड्रन वॉल्यूम ऑफ टैट्राहेड्रन। वाह, थोड़ा जहा लेंदी क्वेश्चन है यार, तो मैं थोड़ा करवाना भी चाहना है तो मेरा कितने ना कितने चित भी डोलता है कि बच्चे घबरा ना जाए। ठीक है, पर एक काम करते हैं, इस सवाल को आप करा नैक्सट सैशन टैट्राहेड्रन, थोड़ा जहा लेंदी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आई थिंक टू यू विल गैट इट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैट्राहेड्रन वॉल्यूम ऑफ टैट्राहेड्रन का मेरे तो यदा रूल याद है, तुम भी नोट कर लो, 1/3 एक बटे 3 होएगा एरिया ऑफ ए बेस। ठीक है, एरिया ऑफ ए बेस एंड आप कह सकते हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये रूल होंगे। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ए सानू ट्राइंगल का इतने दे रखे, गल करते हैं आप कि टैट्राहेड्रन के ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आएगा तो 3/4 साइड इंटू साइड है, मैक्सीम जो 12 अपने को 4 × 12 = 36 12 × 36 रूट 3 अपने को आ जाना इतने साइड ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस अपने को आ जाना 36√3 आ जाना, तो उस बिहाफ से आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो टेक सम टाइम, सो वी विल सोल्व इट इन द नैक्सट सैशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने को, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हैक्सागन 72 है, टीम कि 72 है तो अपने को 72 दे रखे, तो जनरली मैं थोड़ा दस दिना कि जो साइड क्ढा आप साइड में तुम्हें की करना है ना 360 बटे आप एन लाया से ना तो 360 बटे एंगल। ठीक है, तो 360 बटे 72 करोगे तो थोड़े को कि आ जाना है 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम आ गया, नंबर ऑफ साइड कि आ गई 5 आ गई, तो इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल नोट कर लो जरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का रूल होएगा 2 − 4 2n − 4 इंटू की होएगा 90 डिग्री, तो 2 हो गया तो 5 हो गया, −4 है इंटू 90 डिग्री है, राइट 5 × 2 = 10 चों 4 गए किन्ने बच गया 2 × 90 इज इक्वल थोड़े को आ गया कि आ जाएगा सवाल के 5 × 2 = 10 चो जा 6 5 × 2 = 10 चो 6 तो 6 कि आ जाना तो 9 × 6 = 54 540 डिग्री। तो मतलब की हो गया, इस सवाल का मतलब ये कि एक रेगुलर पॉलीगन है अगर वह एक एंगल 72 डिग्री का है तो तुम दसो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कि होएगा, तो तकरीबन ये कि होएगा 540 होएगा। तुम उंज भी कर सकते हो, सवाल दे विच कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी स्टूडेंट को नहीं आएगी, बट बेसिक मैथड कंसैप्ट क्लीयर होना बहुत जरूरी है। एक एंगल दे रखा है तो आप अगर ईच साइड कढ़ांगे तो 360 बटे 72 डिग्री हो जाएगा, तो ईच साइड मतलब साइडा कि हो गई 5 साइडा हो गई, तो 5 दे मतलब हो गया एन नंबर ऑफ पॉलीगन की गल करते हैं तो 5 साइडा है, तो 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाना 540। सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट समझना है, और आज के सैशन मैं थोड़ा इन्ने करावगा, परंतु मैं फिर कहांगा कि यह क्वेश्चन थोड़े लिए चैलेंजिंग है, अगर किसी को आता है तो कमेंट करके जरूर दस्यो, अदरवाइज थोड़ा जहा मैथड लंबा है, आई विल शेयर यू इन द नैक्सट सैशन, तद तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों सत श्री अकाल सारयां नूं, उम्मीद है तुसी ठीक ठाक होवोगे। अज आप पहुँच चुके हैं मैंसुरेशन क्लास नंबर 23 पॉलीगन पार्ट नंबर 2। इस सैशन दे विच अज आप करांगे अनदेखे अनसुने और अन जिवें हुंदियां ना कि बिन देखियां कथावां गल्लां, उदां दे कुछ क्वेश्चनस। पॉलीगन दे विच जनरली मैं भी बहुत सारे बुक्स नूं फॉलो कीता है, किसी भी बुक्स दे अंदर ज़्यादातर डिटेल नहीं दित्ती जांदी, परंतु जदों असीं एग्जाम च बहिंदे हां
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਸਲੋਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਫੋਰ ਅ ਲਾਈਵ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈੱਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਲ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਇਟ ਈਜ਼ਲੀ ਐਕਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਨਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੱਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਿੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਸਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਦਾਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਸਟ ਫੋਰ ਓਪਨ ਦਾ ਐਪ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਅਰਨ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ ਹੇਅਰ ਨੋਟ ਏ ਮਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ ਐਜ ਏ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 1100 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਥ ਜੀਓ ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਐਫੀਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵਿਦ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਇਫ ਫੋਰ ਸੰਬਡੀ ਇਜ਼ ਬਾਇੰਗ ਸੰਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਨਰੋਲਿੰਗ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਲਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਫੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਵਿਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਵਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚਲੀਏ ਪੋਲੀਗਨ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਗਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਅਗਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡਸ ਹੈ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪੋਲੀਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਭੁਜ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਬਹੁਭੁਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਸੁਣੀ ਅਨਕਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਗਨ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਗਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ
अगर इदा इट मीनस कि आइसोसेल ट्रायंगल होया हूँ आइसोसेल ट्रायंगल होया तो तुम्हें पता है 50 आइसोसेल ट्रायंगल के बेस के एंगल ऑलवेज सेम होंगे ए भी 50 होएगा तो भी 50 होएगा 50 50 100 हो गया तो यह टोटल कि हो गया 80 डिग्री हो गया 80 हो गया तो तुम ये गल भी बहुत आसानी कह सकते हो कि अगर आप गल करिए बाहर की तो एक जनरली अपने को स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन के उपर की होंगे कि अगर आप इस तरीके गल करिए ठीक है इस तरीके कि अगर मेरे को अगर मैं कह कि यह मेरे को 60 है तो इधर मेरे को कि आएगा 120 क्यों आएगा क्योंकि जोड़ा यह एंगल है इतने टोटल 180 बनता है हालांकि कुछ क्वेश्चन यही जमैट्री के ने बट सू संभावना है कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं तो असं स्ट्रोंग रहना है कोई अपना नुकसान नहीं होएगा कोई घाटा नहीं लगेगा घुंगरू नहीं उतरने किसी के जे आप कुछ चीज़ा सीख लाँगे ठीक है तो दोस्तों अगर 80 है तो डेफिनेटली कि होएगा 100 होएगा अगर ये 50 है तो डेफिनेटली साढ़े को कि होएगा 120 होएगा और ये 50 है तो साढ़े को कि होएगा 120 होएगा एक तो मैं चीज़ यह कह सकता वा दूसरी चीज़ कंसैप्ट के थ्रू अगर आप इस चीज़ को यह भी समझना है हाँ 130 है ठीक है 130 है 130 तो हम तुम कहोगे 130 प्लस 130 प्लस थोड़े को 100 है तो इट इज़ टोटल 360 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया थोड़े को बहुत बेहतरीन चीज़ा हो गई तुम अगे अच्छे तरीके समझ सकते हो और अपना एग्जाम दे विच या बच्चों किसी को एक्सप्लेन देना तो थोड़े लिए बेहतर होएगा हुण आ जाओ तुसी दूजे दे विच जे आपां गल करिए भी कोई साडे कोल सपोज अगर पॉलीगन दे विच कोई क्वाड्रिलैटरल है तो इन्हां दे भी जिन्ने भी एक्सटरनल एंगल होंदे ने किहड़े होंदे ने एक्सटरनल एंगल होंदे ने एक्सटरनल एंगल होंदे ने तो इन्हां दा सम भी ऑलवेज 360 डिग्री होंदा है किन्ने डिग्री होंदा है 360 डिग्री होएगा ठीक है एक चीज़ तुसी याद रखना है रेगुलर नोट करो जरा हाँ ईच ऑफ इट्स एक्सटरनल एंगल ऑफ व्हाट वी कैन से रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल तो ये की हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन देखो जी रेगुलर पॉलीगन दे बाहर वाले एंगलों का जोड़ कितना होता है 360 है सवाल पूछा जाए हर एक एंगल कितने डिग्री का होएगा ये डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों भी उदियां साइडा कि जनरली मैं की दसिया थोनों पॉलीगन च तीन साइडा भी हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं पांच भी हो सकती हैं छे भी हो सकती हैं सत्त भी हो सकती हैं अठ भी हो सकती हैं नौ भी हो सकती हैं दस भी हो सकती हैं जे मैं गल करा तीन है तो जनरली आप गल करांगे कि यह एंगल किन्ने डिग्री का होएगा जनरली यू कैन से दैट कि 360 अपोन अगर आप ला देंगे इतने आप तीन ला देंगे तो साढ़े को कि आ जाएगा 120 डिग्री हूँ 120 डिग्री यह कि ईच ऑफ इट्स एक्सटरनल न कि इंटरनल की गल है बाहर वाले की गल हो रही है ठीक है इंटरनल वाले की गल नहीं हो रही है ठीक है यह भी थोड़ा याद रखना होगा पेपर के पूछा जा सकता बहुत बार जिमें कि आप गल करते हैं कि पेपर के एक बार क्वेश्चन आया पेपर के आया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल किन्ने डिग्री के होंगे ठीक है इदा पूछा गया कि फाइंड द एक्सटरनल एंगल ठीक है एक्सटरनल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ठीक है हुण देखो जी इस दे विच सानू ए पता सीगा कि जिहड़ा संबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये अंदर वाले एंगलों का तो सानू पता सीगा भी 60-60 डिग्री है परंतु बाहर वाले दे विच नहीं पता सीगा खास तौर पर मैथ जी का बैकग्राउंड नहीं रहा तो वो वास्ते मुसीबत सीगी तुसीं ये भी समझ सकते हो कि जनरली अगर अपने कोई भी ट्राइंगल है इस तरीके का है इस ट्राइंगल दे विच की हुंदा है कि हमेशा ए है बी है सी है तीन साइडा ने लाइक ए बी सी तीन पॉइंट ने एंड ये एंगल्स हो गए है सो अगर आप कहेंगे 60 डिग्री है दिस इज 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है तो एक चीज़ तुसी याद रखना है कि देखो इको पॉइंट ते बनने वाले इंटरनल अते एक्सटरनल एंगल का सम 120-80 डिग्री हुंदा है ये 60 है तो 120 ऑटोमैटिकली होएगा ये भी तुहाडे कोल कितना होएगा 120 होएगा तो यह भी तुहाडे कोल कितना होएगा 120 होएगा तुसीं इदां इस पेपर के अकॉर्डिंग समझ सकते हो आई होप यू ऑल एट गैटिंग वेरी वैल ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है सारे नो चलिए हुण मैं थोनों पूछदा दो तीन सवाल हालांकि मैं सवाल ज़्यादा लंबे नहीं लिखांगा परंतु मैं एक्सरसाइज लैके आवांगा उस तो बाद करावांगा पेपर दे विच इदां पूछा गया सीगा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हर बार वाला कोण हर बार वाला एंगल उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर वाले कोण का दुगना है बार वाला अंदर वाले का दुगना है देखो जे आप गल करांगे कि साढ़े को बार वाला ठीक है जे मैं कहांगा इत्थे इंटरनल ठीक है ये मैं इंटरनल लिखांगा इंटरनल मेरे को अगर ए है तो एक्सटरनल की है कहना भी एक्सटरनल बार दुगना है तो मतलब कितना हो जाएगा दो थीटा हो गया ना तो यू नो एवरीबडी तुहानू पता होएगा कि इन्हें पूछा रेगुलर पॉलीगन दियाँ कितनियां भुजावां हो सकदियां हन तो तुहाडे कोल एंगल प्लस बार वाला प्लस अंदर वाला
इज इक्वल 180 डिग्री तो साढ़े को कितना हो गया 3 थीटा 180 डिग्री एंड थीटा अपॉन साढ़े को कितना हो जाएगा 60 डिग्री थीटा अपॉन कितना हो गया साढ़े को 60 डिग्री हो गया परंतु सर ने तो सानू यह दस्या भी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बार वाली पुजावं असी कि फाइंड करते हैं बार वाली मतलब एन की वैल्यू जो फाइंड करा तो सानू 360 बटा की करना होंगे यही करना होंगे ना समझ पा रहे हो ना तो हूँ अपने को है कि एन बराबर आप बार वाला की टू थीटा है ना तो आप 360 बटा आप की लावे टू थीटा लावे तो थीटा की वैल्यू इतने आप कि फाइंड कर ली है लगभग तुम देखोगे कि थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी कि 60 प्राप्त कर ली है तो 360 बटा 2 इंटू बल्कि जरा मैं इसको 60 लिखना सी 120 मैं करी जाना आलोचना इन कट करोगे कि आ जाएगा 6 6 36 कट करोगे तुहाडे कोल कि आ जाना 3 जरा जीरो नाल जीरो कटेगी 6 6 36 बराबर 3 हाँ 60 नहीं आएगा 6 आएगा 3 आंसर आ जाना है तो मतलब की हो गया कि एरिया मैक्सीम जो साइडा ने वो 3 बन गई हूँ 3 बन गई तो 3 साइडा वाला हमेशा की होंगे या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होएगा जनरली आप ट्रायंगल कह सकते हैं क्योंकि मैक्सीम इक्विलेटरल ट्रायंगल होएगा सवाल की सी मेरा सवाल यह सगा कि एक रेगुलर पॉलीगन है उसके बाहर वाले तो अंदर वाले जो एंगल है वह बाहर अंदर वाले का बार वाला दुगना है अंदर वाले का बार वाला दुगना है तो तुम ये दसो कि इस स्थिति के मुताबिक इस दे इस पॉलीगन दिनिया साइडा हो कि फिगर होएगा मैं एक्स बार इंटरनल एक्स मनिया है या एक थीटा मनिया है तो बार वाला दो थीटा हो जाएगा टू हो जाएगा तो 1 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल 180 डिग्री तो टोटल अपने को 3 थीटा बराबर 180 हो गया तो थीटा बराबर अपने को 60 डिग्री हो गया जनरली मैं थोड़ा एक टास्क देता से भी किसी भी पॉलीगन के एक्सटरनल एंगल फाइंड करने हैं तो तुम एन बराबर 360 बटे एन लाओगे हूँ थोड़े को हो जाना जरा इतने मैं एन की वैल्यू कि मेरे को एन की वैल्यू तुम्हें पता है कि इतने आएगा थोड़े को एंगल राइट है इतने की आएगा थोड़े को एंगल आएगा हूँ प्यारे बच्चों एक थोड़े को जो एंगल है तो एंगल एज यू नो थोड़े को बार वाला जनरली तुम देखोगे सवाल के कि दो थीटा आ हूँ एक थीटा का मतलब कि 60 डिग्री तो दूजे का कि 120 है तुम डिवाइड करोगे तद भी थोड़े को 3 साइड आ जाएंगी क्लीयर है ना यह सवाल PPSC ने पूछा सगा इस करके मैं थोड़े सामने रखे आई होप तुम थानू प्रोपर सारे समझ आ गया होएगा क्लीयर है ना चलिए हूँ इस तो थोड़ा जहा हट के आ जाओ सवाल इस तरीके पूछे जाते हैं यह पूछता है कि इफ नोट करो जरा इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल 44 किनिया है 44 है देन फाइंड द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मतलब कि इस पॉलीगन दी साइड दसनिया कि अगर वो मतलब की है कि तुहाडे कोले जनरली की है वो डायगोनल है देखो एक चीज़ है समझ आना मैं थोनों देखो बहुत सारिया चीज़ा होंगे कई बार सानू नहीं पता होंगे पर कई बार सानू पता होने के बावजूद भी नहीं होंगे ये है ये देखो एक आ बन गया एक आ बन गया ठीक है और उस तो अलावा तुम की करोगे या तो किसी ने किसी कोण नू मिलाओगे ठीक है जनरली आप करांगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इस फिर आप मिलावे और फिर आप इसनों ये मिलावे मेरी गल समझ पा रहे हो ना ठीक है ये आमने सामने के एंगल मिल जाएंगे तो इस तरीके डायगोनल हो जाएंगे लेकिन हुण आप इन्हों पूर्ण तौर पर किवें कर सकते हैं किसी भी नंबर के डायगोनल फाइंड करना है तो वो शॉर्टकट की होंगी है एन और एन माइनस 3 अपोन साढ़े को होएगा 2 क्लीयर है ना हूँ डायगोनल साढ़े को किन्ने गिवन है 44 डायगोनल गिवन है एक एन नू एन किया एन स्केयर माइनस कि हो गया 3 एन अपोन कि हो गया 2 है ये अपोन चेक लावे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करता क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 44 दूना 88 एन स्केयर माइनस कि हो गया 3 एन तो या आप इदा भी लिख सकते हैं एन स्केयर माइनस 3 एन माइनस कि 88 इज इक्वल कि 0 है ठीक है जी हूँ आप करा इन फैक्टर फाइंड कर लेंगे फैक्टर फाइंड करा तो अपने को एन कॉमन आ गया तो ओके वंस डू डायरैक्टली अगर नहीं करते हैं तो आप फैक्टर फाइंड कर लें फैक्टराइजेशन करा तो फैक्टराइजेशन के मुताबिक अपना आंसर आ जाना चाहिए एन स्केयर माइनस अपने को हो जाएगा 11 एन प्लस अपने को 3 एन तो बल्कि 8 एन 11 8 88 माइनस 88 इज इक्वल 0 इन्हों के कॉमन कटा तो अपने को एन माइनस 11 आ जाएगा और इतने जो आप माइनस रखा 8 तो साढ़े को एन माइनस 11 आ जाएगा क्लीयर है ना कोई दिक्कत नहीं सारे बच्चों को समझ आ पा रहा जी जी बिल्कुल सर इतने कहते प्लस रखा जाऊगा बिल्कुल प्लस रखा जाऊगा जी ठीक है ये आप कॉमन की कट लेंगे एन कॉमन देखो कॉमन होंगे कि दो तो ज़्यादा नंबर सेम नंबर होना तो ये बल्कि पेयर निकलेंगे तद ही आप कंसीडर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं तो साढ़े को एन स्केयर माइनस 11 एन है प्लस रखा आप 8 एन माइनस
माइनस कितना 88 इज इक्वल 0 है। हुण अपने कोल की आ जाना एन इधर है तो एन प्लस की हो जाना 8 है और दूसरा साढ़े को एन माइनस की आ जाना 11 है। हुण देखो जी साढ़े को इतने एन की वैल्यू निकली है माइनस 8 है और इतने एन की वैल्यू निकली प्लस 8 है। तुम मैंने दसो भी कभी भी माइनस वाले को कंसीडर करांगे नहीं करांगे तो प्लस वाला एन का मतलब इतने टोटल होएगा कि जी वैल्यू आएगी एन का मतलब साइडा है नंबर ऑफ साइड्स है तो टोटल 11 साइडा का कोई भी पॉलीगन है तो उदे च हमेशा किन्ने होणगे 44 की होणगे बोलो मेरे नाल बोलो सारे जने 44 डायगोनल होणगे और डायगोनल का मतलब की हुंदा है विकर्ण। समझ गए ना किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सारे नूं समझ आया? चलो जी वेरी गुड बहुत अच्छे है प्यारे बच्चों। एक दो सवाल होर कर लैने हैं। यदि मैं थोड़ा पूछा कि अगर किसी भी पॉलीगन के डायगोनल टोटल किन्ने 9 है तो दसो उस पॉलीगन की मतलब कि सवाल की है कि पॉलीगन की सब तो वड्डी भुजा दी मतलब कितनियां नंबर होंगे सब तो वड्डी भुजावां दे। ठीक है जनरली चले काम क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे। चलो बई आप हम क्वेश्चन सीरीज करते हैं। सब तो पहला तुम्हें याद रखना है कि सानू पेपर से पूछा जा सकता है कि पॉलीगन का एरिया पूछा जा सकता है तो 3/4 इंटू साढ़े को होंगे साइड स्केयर होंगे। ठीक है जनरली की है कि हर एक पॉलीगन च इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आ गया एरिया आ गया राइट है। तो अगर साढ़े कोले कोई भी जिवें हेक्सागन है तो इंटू 6 कर देंगे पेंटागन इंटू 5 कर देंगे ऑक्टागन इंटू 8 कर देंगे सेप्टागन इंटू 7 कर देंगे। समझ पा रहे हो तो इसमें मैं ये भी कह सकता कि 3 × 2 = 6 तो 3 × 3 = 9 तो तुम कह सकते हो कि हेक्सागन के अंदर 3√2 भी आंसर यदा हो सकता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा थोड़ा एरिया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कहना एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड कि 2√3 है। हूँ ही थोड़ा दसा कि एरिया की होंगे 6 × √3/4 इंटू साइड का स्केयर साइड की आप एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड कि 2√3 है इंटू 2√3 है। चलिए गाइज अगर अपने को इस तरीके तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखो 2 × 2 कि हो गया 4 है 2 × 2 कटिया गया याद रखना रूट न रूट न मल्टीप्लाई करा तो रूट हट जाएगा कॉमन नंबर आ जाएगा तो 6 × अपने को √3 × 3 इदा अपने को 3 बचेगा या तुम ये भी कह सकते हो कि 3 × 3 किया √9 √9 की वैल्यू 3 होंगी है। 6 × 3 कि हो जाए 18√3 आंसर हो जाए जो कि टिक कर दें ऑप्शन नंबर पहला। आई थिंक तुहानू समझ लग गया होएगा किस तरीके नाल क्वेश्चन होंदा है तो इस तरीके नाल तुहानू जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हलवा क्वेश्चन होंगे राइट है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर टू दे विच की है कि ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 1 cm हर साइड रेगुलर। देखो ये थोनों मैं की करवा रहा थोनों करवा रहा कि SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स क्वेश्चन। ठीक है SSC प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन करवा रहा थोनों मैं ये कह रहा कि रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड 1 cm है तो एरिया दसो कि होएगा तुम कि लाओगे 6 यानी √3/4 मेरे नाल बोलो सारे जने साइड का स्केयर। ठीक है 6 × √3/4 तो 1 × की हो जाना 1 हो जाना यदा मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 2 है तो 3√3/2 साढ़े को आंसर आ जाए। आप कह सकते हैं गुरु जी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है एकदम स्पार्ट और बड़ा सोहना क्वेश्चन का आंसर होएगा बिल्कुल सही है ना। चलिए सुपर इदा ही चलेगा सुपर सैशन सुपर सीरीज अपनी इदा ही चलेगी। चलिए नैक्सट क्वेश्चन अपने को एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए साइड 6 cm हैज इट्स द कॉर्नर कट ऑफ द फॉर्म रेगुलर हेक्सागन एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन विल बी तो अपने को कितना 3√3 है इस तरीके ना दे रखे सारा क्वेश्चन तो सवाल आप बेसिकली बड़ा ही सिंपल तरीके ना समझ लेना। जनरली की है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरीके ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है सवाल समझो जरा कहना भी 6 cm की साइड है 6 cm की साइड है 6 cm 6 cm यह कहता भी इनू कट कर दिए जाते कॉर्नर आ कॉर्नर कट करता आ कॉर्नर कट करता आ कॉर्नर कट करता तुम देखो PQ आर एस टी यू ते को बन गया इदा बन गया ना तुम ये कह सकते हो गुरु जी इस तरीके इनू आप ए करिए इस तरीके अगर ले जाके तो इनू आप ए कर दिए तो इनू आप जनरली अगर इस लाइन में आप इदा समझ के और इसको इदा समझिए वी हैव ए PQ RST U क्लीयर है ना हैक्सागन हो गया अपने को। चलिए यह हूँ एरिया पुछता इदा कि होएगा तो देखो बड़ा सिंपल जी चीज़ है मैं थोनों बिल्कुल कहानी सिंपल दसागा रेगुलर हैक्सागन के सब तो पहले तो रेगुलर हैक्सागन की साइड क्ढ़नी पेगी और तुम्हें पता है कि हर एक साइड की बराबर है तो टोटल तुम्हें पता है कि इस टोटल कि हो जाएगा एक साइड का तीजा हिस्सा हो जाएगा।
ठीक है। तो तुसी इत्थे की करोगे, साइड्स कढ़ोगे रेगुलर हेक्सागन दी, तो तुसी लिखोगे 1/3 इंटू 6 है, इट मीनस है 2 सेंटीमीटर की आ जाने, 2 सेंटीमीटर आ, 2 आ, 2 आ, 2 आ, 2 आ, 2 आ, फिर 2 सेंटीमीटर हो गया। हुण तुसी एरिया कढ़ सकते हो, बई एरिया का की हुंदा, 6 × 3/2 इंटू तुहाडे कोले होएगा साइड का स्केयर, हुण से 6 × 3/2 और साइड मीनस की हो जाने 2 × 2, ठीक है भाई, 2 × 2 ये 4 होएगा ना, 4 होएगा जी, 4 दस्या करो तुसी मैनू, 4 ना 4 कट्टिया गया तो तुहाडे कोले 6√3 ही आंसर आ जाना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर केड़ा होएगा, मेरे तरीके नाल तो ऑप्शन नंबर तीजा होना चाहिए। ये थोनों मैं बिल्कुल प्रमाणित तौर पर कुछ मैं क्वेश्चनस करा रहा जो कि PPSC क्वेश्चनस दे, PPSC और पंजाब दे वक्रो वक्री स्टेट एग्जाम दे गवर्नमेंट एग्जाम दे विच आ चुके हैं, और इहदे नाल नाल थोनों मैं SSC लैवल दे क्वेश्चनस करवा रहा, क्योंकि अगर आपां ना वड्डे स्तर की भर्ती की तैयारी करांगे तो डेफिनेटली साडे लिए बहुत ही छोटियां बन जाणियां, ठीक है। तो मैं थोनों इस करके बार बार कहांगा, बल्कि ये भी चीज़ का ख्याल रखना है, एक मैं थोनों बार बार रिक्वेस्ट करांगा, प्लीज़ मेरी थोनों मैं कहांगा कि दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नोट इट। कई बार की होंदा है कि बहुत सारे जिवें तुसीं बहुत बेहद खूबसूरत गिल्ज मेंटोर नूं प्यार दिता है, गिल्ज मेंटोर नूं अगर तुसीं अपना प्यार दिता है तो साडे स्टाफ ने बेधड़क थोनों प्रिपरेशन कराई है हर एक पेपर की, और बहुते बच्चों नूं सिलेक्शन करवाया है। PSPCL दे विच तुसीं अगर सोशल मीडिया तां अज भी मैसेज पाओगे तो तुहानूं मैक्सीमम टाइम ते गिल्ज मेंटोर दा नाम ही देगा। ईवन कि यह नहीं गा कि पंजाब दे विच कोई कोचिंग सेंटर बहुत पुराने नहीं है, बहुत सारे पुराने और जस्ट वी वर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। सब तो वड्डी इंपोर्टेंट गल की है इत्थे, मैं थोड़े ना जो सांझी करनी चाहवागा, सांझी ये करना चाहवागा कि कंटेंट बहुत सारे बच्चों ने अन एक्सट्रा ग्रुप्स के अंदर शेयर करना शुरू करता सीगा, प्लीज़ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इहदा मतलब ये नहीं गा कि असी किसी नूं कंटेंट नहीं देना चाहते, अगर कोई कंटेंट लेना चाहता तो ग्रुप्स के अंदर आएगा, परंतु कई बार रीजन की होंदा है कि बच्चे अपने नाम पर फर्जी ग्रुप बना लेंदे है गिल्ज मेंटोर, तो वह की करते हैं दूसरों तक मैक्सीम चीज़ा इस तरीके की, यानी खुद का कुछ मैं नहीं समझता की परपज़ होंगे, और मैं किसी स्टूडेंट्स का कोई नेम भी नहीं लवागा। इदा कुछ चीज़ा होंदिया जो कि खास तौर पर साढ़े लिए भी माड़िया है और थोड़े लिए भी माड़िया है, ठीक है। हाँ, थोड़ा कोई फ्रेंड क्लीक है अगर तुम कोई भी अगर चाहता है तो प्लीज़ रिकमेंड हिम एंड हर टॉक टू अस, असी बिल्कुल फ्री के तौर पर भी चीज़ा दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं हो कि जो थोड़े ते हार्डवर्क करके प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर ये ओपन मार्केट से जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होएगा, क्योंकि असी देखो जो भी थोड़ा कंटेंट दे रहे हैं साढ़े कंटेंट में तुम डाउनलोड नहीं कर सकोगे, क्योंकि स्टोर के लिए ऑप्शन है, वो बावजूद थोड़ा असी एक्सट्रा मटीरियल डाउनलोड वास्ते दे रहे हैं, असी इतों तक भी परमिशन दे रहे हैं कि तुम पढ़ सको, क्योंकि अच्छे का अच्छा इंस्टीट्यूशन की होंगे कि थोड़ा कदे भी अपना मटीरियल फॉर सेलिंग वास्ते इदा नहीं देगा। तो कई बार इदा चीज़ा हो जाए, आई होप यू तुसी सारे समझोगे, और 2 आइडिया एक टाइम पर लॉगिन नहीं करनिया है, अदरवाइज तुसी ब्लॉक हो जाओगे। अज फिर टोटल साढ़े को 8 ऐसे वो जे कैंडीडेट्स ने जिन्हां दी आइडिया खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ को ख्याल रखना है, उस तो विशेष तौर पर प्लीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करांगे, क्वेश्चन नंबर 4। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 18 डिग्री ज़्यादा या 18 डिग्री मोर देन द 8 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखो की है ना कि यह कहता भी एक्सटीरियर एंगल नालों 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा, बड़ा सिंपल जहा सवाल है, बड़ा सिंपल जहा मज़ा आएगा सवाल करने। देखो भी अगर मैं गल कहना कि साढ़े को रेगुलर जो पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन है, मैं कह सकता कि इतने एन लिख लें आप, ठीक है। तो जनरली मैं थोड़ा फॉर्मूला की दसिया से, तो फॉर्मूला मैं दसिया कि 2n- की दसिया कि 4 एंड मैं थोड़ा दसिया कि इंटू तुम की करोगे 90 और बटा तुम की कर देना एन कर देना, यही फॉर्मूला दसिया। हूँ यह कहें कि भाई इतने यह कहता भी 8 गुणा ज़्यादा है, मतलब वो 18 नालों 8 गुणा वध के है, तो आप पहली गल तो 8 गुणा कर दो, 8 गुणा करा तो अपने को आ जाएगा सवाल डायरैक्टली कर लीए, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल हिला दिए सवाल में आप। चलिए जी, उस तो अलावा फिर आप गल कह सकते हैं कि इस एक्सटीरियर की गल हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों यार सवाल बेहद इंपॉर्टेंट इस करके बन जाता है कि तुसी सवाल नूं 2 तरीके नाल रख सकते हो। मैं इत्थे रख सकदा कि इंटू 4 × 90, ठीक है, मैं लिख सकदा बटा एन। हुण देखो इहदे नाल 18 ज़्यादा है, इहदे नाल किन्ना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, समझ पा रहे हो ना, इहदे नाल किन्ना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। हुण अगर 18 ज़्यादा है तो आप प्लस की कर देंगे 18 कर देंगे, तो यह अलग तो इक्वेशन साढ़े को बन जाएगा, 2n- किन्ना 4 अप 2n-4 इंटू साढ़े को किन्ना हो जाना 5,
इज इक्वल साढ़े को टोटल हो जाना, मल्टीप्लाई करोगे कि हो जाएगा थोड़े को 9 चौका 36 तो बराबर हो जाना 160, तो एन का एन रह जाएगा और साढ़े को 18 कॉमन रह जाना, तो 18 एकम 18 हो जाएगा। भैया थोड़ा समझ आया कि नहीं आया, मैं किस तरीके किया, मैं इस तरीके किया है, इस सवाल में मैं इदा लिखता है भी, मैं कि लिखता कि अगर मैं इस सवाल के 18 कॉमन कढ़ लेना तो मेरे को एक रह गया, तो मैं इतने 18 कट सकता, 18 5 90 हो गया भी, कि हो गया 18 5 90 हो गया ना, तो थोड़े को कि हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 8 कि होंगे 20 8 160 है, तो आप 160 एन प्लस कि लिख सकते, 1 लिख सकते हैं कि लिख सकते, इन्नी चीज़ सारे बच्चों को समझ है ना भी, यदा मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अपने को 2n-4 इंटू साढ़े को 90/n है और कोई वैल्यू के बराबर अगर आप रखते हैं तो वो बराबर भी उस वैल्यू ने भी मैं 80 कैंसल करा इस 80 बई इस 80 कैंसल करा तो 5 आ जाएगा जो मेरे को ऑलरेडी 5 आ गया। फिर भी जो थोड़ा मदद चाहिए तो मैं थोड़ा प्रोपर तरीके चीज़ा करवा सकता है कि आप इसको इदा लिख लें कि मैं इतने लिखा वा जस्ट 18 एंड 1 प्लस मेरे को हो जाएगा 160 एन प्लस साढ़े को 1 है इज इक्वल साढ़े को कि हो जाएगा हो जाना 2n-4n इंटू साढ़े को 90 आप कट देने 18 एकम 18 18 5 90 क्लियर है। तुसी इहनू बहुत तरीके नाल लिख सकते हो, 2 5 10 और 5 चौका 20 भी लिख सकते हो, परंतु मैनू लिखण की जरूरत ज़्यादातर नहीं पाएगी। हुण आपां इसनू इस तरीके नाल करांगे तां साडे कोल आ जाएगा 5 2 10 एन 5 चौका 20, ठीक है, किन्ना आ जाणा 5 चौका 20 बराबर साढ़े को आ जाना एन आ जाना, और एन एन आने तो बाद जी आप इस तरीके कंसीडर कर लीए कि साढ़े को अगर जनरली आप इस टेन सोल्व करना है, इस एन सोल्व करना है तो आप इस भी लिख सकते हैं कि इतने लिख देने 10 और एन माइनस कि हो जाएगा 20, ठीक है, एन माइनस कि हो जाए 20 और बराबर साढ़े को हो जाने 160 और ये हो जाना थोड़े को कि प्लस एन। तो दोस्तों देखो 10n है, 10n के तुम की करोगे ना 1n घटा दोगे तो थोड़े को कि बचेगा 9n और 160 के 20 जुड़ जाएंगे तो टोटल हो जाने 180 बई 1n आ एम प्लस का है, तो ये थोड़े को जे कि इधर मैं सवाल अगर कैंसल करा तो थोड़े को 10-9n-10, ठीक है, तो सवाल थोड़े को हो जाए एन की वैल्यू 20 हो जाएगी, जो कि बहुत आसान सवाल सगा कि नंबर ऑफ साइड्स दस रही कि 20 हो गई। हुण मैं थोड़ा प्रैक्टिस वास्ते 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रहा, पहला क्वेश्चन तो यह हैगा, ठीक है, यदा नोट डाउन कर लो सारे स्टूडेंट्स, तो इस तो अलावा दूजा क्वेश्चन ये हैगा, प्लीज़ यह क्वेश्चन तुसी सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके तुसी थोनों जो भी डाउट होंगे तुसी पूछ सकते हो, और मैं थोनों एक सुझाव दिता सीगा कि आप इस तरीके करते हैं कि तुहाडे जो भी मैथ्स और रीजनिंग के डाउट होंगे संडे नूं आपां अलग एक जिन्ना भी अद्धा घंटा 40 जिन्ना भी कंटेंट होएगा उसका आप अलग तो लैक्चर बना लेंगे और उसका प्लेलिस्ट का नाम ही आप डाउट सैशन रख लें, ठीक है, ये अच्छा होएगा क्योंकि ये की है कि दूजे बच्चों भी बिल्कुल क्लीयर होएगा। तो थैंक यू सो मच, तुसी अपना बेसिक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रीसियस टाइम दिता, मैं इस करके तुहाडा शुक्रिया करांगा। अपने दोस्तों तक जरूर अपना फीडबैक शेयर करना है, कोई भी थोनों इशू है तुसी साढ़े कॉल करोगे एंड वी विल एंटरटेन यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, गुड लक गाइज़।